हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। चलिए आज आपको खेत दिखाता हूँ, जंगल की साइड चलते हैं, अपने यहाँ का जंगल दिखाता हूँ आपको, तो बने रहिए गाइस। मेरे दोनों साइड पर धान की खेती है, चावल की। ये वाली खेती पककर तैयार है और अभी इसमें टाइम है। ये तैयार खेती है, गांव में अक्सर गाइस खेती का ही काम होता है, खेती ही ज़्यादा होती है। आज मैं आपको अपने यहाँ का जंगल दिखाता हूँ। हमारे यहाँ जंगल में ज़्यादातर धान की ही खेती की जाती है, चावल की और खेती भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल की ही खेती होती है। ब्लॉग में और एंजॉय करिए। मैं आपको आज इसमें अपने यहाँ का जंगल और नदी की ओर लेकर जाता हूँ, जहाँ घना जंगल है बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। ये धान जो तैयार है पककर, ये भी ये है, और ये दूसरी वाली साइड पे जो है मेरे, ये भी यही धान है। ये बारीक चावल होता है, और मेरे इस खेत के नीचे जो दूसरा खेत है उसमें दूसरा धान लगा हुआ है। ये देखिए भाई, ये और वैरायटी। गाइस ये दूसरी किस्म का धान है, और इसमें ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है इससे ही पानी चलाया जाता है। ये ट्यूबवेल है, फिलहाल बारिश हुई है तो ट्यूबवेल बंद है, बाकी ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है, इसी से खेतों में पानी चलाया जाता है। चावल की फसल को पानी भी काफ़ी लगता है। अभी ये धान तैयार नहीं है, और मेरी ये दूसरी वाली साइड वाला धान तैयार है, ये दूसरी वैरायटी है, ये तैयार है धान। इसको मौसम खुलते ही कटवाएंगे, उसका भी ब्लॉग लेकर आऊँगा बहुत जल्द। जिस दिन कटाई होनी है उस दिन ही ब्लॉग आ जाएगा। गाइस ये देखिए, ये फसल अभी पकने में काफ़ी टाइम लेगी, और ये जो दूसरी वाली साइड पर फसल है, ये देखिए आप, ये फसल तैयार है, इसकी कटाई होनी है। और गाइस जो ट्यूबवेल के लिए बिजली जाती है, वो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से जाती है हमारी ट्यूबवेल पे बिजली, इस ट्रांसफार्मर से ही बिजली जाती है ट्यूबवेल के लिए। और मैं दिखाता हूँ आपको जंगल, बने रहिए ब्लॉग में।
अमरूद का पेड़ है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर धान की खेती बहुत होती है या गेहूँ की, और भी खेतियाँ होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यही खेतियाँ होती हैं। गाइस चलते हैं नदी की साइड पर और दिखाते हैं आपको, और ये बने रहिए ब्लॉग में। ये जंगल है हमारे यहाँ का, काफ़ी घना जंगल है, देखिए बहुत जंगल है, सब तरफ जंगल ही जंगल है गाइस। गाइस जंगल से पहुँच चुके हैं नदी के बिल्कुल नज़दीक, बने रहिए इस ब्लॉग में। और अब आपको दिखाते हैं हम नदी की साइड जो कि मेरे सामने ही है बिल्कुल, और देखिए ये एक नदी है हमारी। ये है गाइस रिवर साइड, बने रहिए इस ब्लॉग में। गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में, और भी बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इस ब्लॉग में, एंजॉय करिए। ये विलेज साइड है गाइस हमारे, इधर साइड से खेत हैं। गाइस ये गांव की साइड से देखिए खेती भी है, और ये इधर आबादी है, ये खेती है। हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा इधर। गाइस अब और घने जंगल में चलते हैं, बहुत ही ख़तरनाक जंगल है गाइस इधर। इसके बाद इधर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ बहुत भयानक जंगल है अंदर। ये हो चुका है जंगल स्टार्ट, और इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, फिलहाल शायद कोई मिल जाए, देखते हैं, बने रहिए इस ब्लॉग में।
गाइस ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, जंगल है, सब जंगली जंगल है इधर, और इसमें बहुत से जानवर रहते हैं। बने रहिए इस ब्लॉग में। गाइस आवाज सुनिए आप, कैसी भयानक आवाज आ रही है। आम के बाग पे तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए ये आम का बाग है। ये इधर की साइड में देखिए आप, आम का बाग है ये। देखिए गाइस सब तरफ हरियाली है और कुछ फसलें तैयार हैं और कुछ फसलें कट भी चुकी हैं। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो है ये जंगल, जिस जंगल से हम अभी वापस आए, जंगल से वापस आने का रीजन ये है। अब गाइस शाम हो गई, इसमें खतरनाक जानवर हैं तो हमें वापस आना हुआ और हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। आगे हम आपको इस जंगल को दिखाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग सही लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। आगे हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ दिखाएंगे गाइस।